Assalamu alaikum, how are you all? I'm your science teacher and I wish a very warm welcome to all of you in the online class of FEI. So students, chapter hamara chal raha hai motion and measurement of distance, jisme humne padhna hai types of motion. Humne kal samajh liya motion kya hota hai, humne samajh liya kuch types jo ki tha rectilinear motion, jo ki tha circular motion. To aaj hame padhna hai baaki types ke bare mein jo ki hai periodic motion and rotational motion. Dekhte hain kya hota hai. Motion in which object or a part of it repeats its motion after a fixed intervals of time. अब जो periodic motion है वो कौन सी type की motion है जिसमें object या उसका part जो है वो repeat करेगा अपनी motion को, ठीक है ना, जिसमें object या इसका part जो होगा वो अपनी motion को repeat करेगा after a fixed intervals of time. Example समझते हैं, motion of a pendulum. Students आपने देखा है जो घड़ी होती है उसको क्या होता है, उसको pendulum देखा है ना आपने, जो ऐसे tick tock करता है, देखा ना पेंडुलम पहले यहाँ पे होता है वो फिर ऐसे जाता है फिर वापस आता है ऐसे जाता है वापस आता है, मतलब वो अपनी मोशन को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है ना आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल्स ऑफ टाइम, मतलब जितना टाइम उसको यहाँ तक लगा उतना ही टाइम उसको यहाँ वापस मतलब आने में लगा, जितना इधर आने लगा मतलब जितना टाइम इधर तक लगा उतना ही टाइम इधर तक भी लगा, मतलब ये ही हो गया फिक्स्ड इंटरवल्स ऑफ टाइम. मतलब इसने आपने क्या किया, जैसे मैंने आपको बोला पेंडुलम की मोशन आपने समझ ली, पेंडुलम पहले यहाँ पे होता है फिर यहाँ पे फिर वापस आ जाता है, मतलब वो अपनी मोशन को रिपीट करता है, ठीक है. मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन स्विंग, अब स्विंग पे देखा है ना आपने, बचपन में खेलते थे आप बचपन में झूला मतलब स्विंग पे चढ़ते थे आप, तो क्या होता है स्विंग पहले ऐसे होता है फिर ऐसे आ जाता है ऐसे आ जाता है ऐसे हो जाता है, ठीक है ना, मतलब देखा है ना आपने, वो भी अपनी मोशन को रिपीट करती है विद आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल्स ऑफ टाइम, समझ गए. अब दूसरा आ जाता है रोटेशनल मोशन, अ टाइप ऑफ मोशन वेयर एन ऑब्जेक्ट स्पिन ऑन इट्स ओन एक्सिस. अभी रोटेशनल मोशन स्टूडेंट्स क्या होता है, एक ऐसे टाइप का मोशन है जिसमें क्या होता है ऑब्जेक्ट जो है अपनी ही एक्सिस पे स्पिन करता है, ठीक है ना. एग्जाम्पल से समझेंगे, मोशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस, आपने सुना होगा अर्थ जो होती है अपनी ही एक्सिस पे रोटेट करती है, ठीक है ना, जिसको जो कि एग्जाम्पल है रोटेशनल मोशन का. मोशन ऑफ अ स्प्रिंग टॉप, स्प्रिंग टॉप आपने देखा है ना स्टूडेंट, स्प्रिंग टॉप क्या होता है, इसको लट्टू बोलते हैं उर्दू में, ठीक है ना, वो भी क्या करता है ऐसे घूमता है ना, ऐसे ऐसे बिल्कुल घूमता है, अब बचपन से उसके साथ खेलते आ रहे होंगे, ऐसे ऐसे बिल्कुल वो घूमता है, वो भी अपनी ही एक्सिस पे क्या करता है रोटेट करता है. समझ आ गया ना, तो मैं फिर से आपको कैप्चुलेट कराऊंगी. पीरियडिक मोशन जो होता है ऐसे टाइप का मोशन है जो जिसमें ऑब्जेक्ट या इसका पार्ट जो होगा अपनी मोशन को रिपीट करेगा आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है, लाइक मोशन ऑफ अ पेंडुलम जो मैंने आपको बोला, मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन स्विंग जो मैंने आपको समझाया, ठीक है. अब जो रोटेशनल मोशन है वो क्या होता है, एक ऐसे टाइप का मोशन है जिसमें क्या होता है ऑब्जेक्ट जो होता है अपनी ही एक्सिस पे स्विन करता है, जैसे कि अर्थ जो है अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है, लाइक जो स्पिनिंग टॉप होता है वो भी अपनी एक्सिस पे मतलब वो भी अपनी एक्सिस पे रोटेट करता है. समझ गए, तो ये था आज का टॉपिक. इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन कोई भी प्रॉब्लम होगा आप मुझे टेक्स्ट या कॉल कर सकते हैं. अल्लाह हाफिज़.